गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरडिपेंडेंस इन लिविंग बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि एक दूसरे पर निर्भर करना, डिपेंडेंस मीन्स निर्भर और इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पर निर्भर करना। लिविंग बींग्स मीन्स प्लांट्स एनिमल्स। एनिमल्स कैसे प्लांट्स पर निर्भर करते और प्लांट्स कैसे एनिमल्स पर निर्भर करते, इस चैप्टर के अंदर हम आज यही पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट्स किस पर डिपेंड करते? एनिमल्स पर डिपेंड करते और एनिमल्स प्लांट्स पर। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट मींस हमारे आसपास जो भी चीजें पाई जाती है उसमें क्या क्या लिविंग कंपोनेंट्स है, और बैलेंस इन नेचर, हमारी प्रकृति के अंदर सब चीजें बैलेंस है, वो किस प्रकार है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के अंदर यही चीजें पढ़ेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल्स क्या एक दूसरे पर डिपेंड करते, किसके लिए? फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, इन्वायरमेंट के अंदर जीवित रहने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते। प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। प्लांट्स एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन द सेम वे, और इसी प्रकार एनिमल्स हेल्प प्लांट्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, और एनिमल्स क्या करते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है, उसमें हेल्प करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि डिस्पर्सल किन किन तरीकों से होता है, और उसमें एक तरीका आपने पढ़ा था कि एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल होता है। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब पौधों को खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो एनिमल्स इसमें भी पौधों की हेल्प करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। अब बात करते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स पर कैसे डिपेंड करते। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मैनी बेसिक नीड्स। प्लांट्स एनिमल्स पर अपनी बहुत सारी बेसिक नीड्स के लिए डिपेंड होते। एनिमल्स ब्रीथ आउट CO2 विच इज यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं CO2। इसी प्रकार एनिमल्स भी क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट करते हैं CO2। जो एनिमल्स CO2 निकालते हैं उसका यूज प्लांट्स किस लिए करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए। आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि पौधे खाना कैसे बनाते हैं, उसमें पढ़ोगे आप डीप में कि CO2 और ऑक्सीजन, इन दो गैसेस की वजह से पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो ये कहाँ से ब्रीथ आउट होती है? एनिमल्स से, जो कि प्लांट्स को क्या करती है? खाना बनाने में हेल्प करती है। व्हेन एनिमल्स डाई दे गेट मिक्स्ड विद द सोइल, और जब एनिमल्स डाई मीन्स मर जाते हैं तो वो क्या होते हैं? मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते बाय स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते तो वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दस एनिमल्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू न्यूट्रिशन, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। और ये न्यूट्रिशन किस में हेल्प करते हैं पौधों को? उनकी ग्रोथ में और सर्वाइव करने में। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन द पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। अभी आपने पढ़ा था डिस्पर्सल ऑफ सीड। एनिमल्स किस में हेल्प करते हैं? पोलिनेशन में एंड सीड डिस्पर्सल में। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर। किसके लिए? फूड के लिए। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन दैट इज ब्रीथ आउट बाय प्लांट्स, और जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और एनिमल्स इनहेल करते हैं, वो किसके थ्रू ब्रीथ आउट की जाती है? प्लांट्स के थ्रू ब्रीथ आउट की जाती है। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्री, और हम लोगों ने देखा कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स किस पर रहते हैं? ट्रीज पर रहते हैं।